हे गाइस, दिस इज योर ब्रदर ऋतिक मेघवानी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे पुराने ट्रिपल आईटी के बारे में। आज हम लोग जानेंगे क्या इसका एडमिशन प्रोसेस है, इसकी कितनी कट ऑफ जाती है, इसकी कितने प्लेसमेंट्स हैं, कितनी फीस स्ट्रक्चर जाती है, सारी बातें कवर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, हम लोग काफ़ी सारे कॉलेज रिव्यूज़ कवर कर रहे हैं, ऑलरेडी हमने काफ़ी सारे कवर कर चुके हैं एंड फ्यूचर में आपको काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सबसे पहले सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जल्दी से एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो 1997 में ये कॉलेज बना था। इसको ट्रिपल आईटी ग्वालियर को इंडिया का सबसे पुराना ट्रिपल आईटी भी कहा जाता है। लोकेशन की बात करूं तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में आपको ये देखने को मिल जाता है। इंस्टीट्यूट टाइप गवर्नमेंट है। कैंपस एरिया की बात करूं तो 160 एकड़ में काफ़ी सही तरीके से इसको बनाया गया है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसको ट्रिपल आईटी ग्वालियर, ट्रिपल आईटी एम एंड एबीवी ट्रिपल आईटी एम से भी इसको बुलाया जाता है। जल्दी से रैंकिंग देख लेते हैं तो 100 रैंक इसको दिया गया है 2020 में इंजीनियरिंग के मामले में। 81 रैंक इसको 2019 में दिया गया था, पिछले साल से थोड़ा सा ही नीचे आ गया है। और भी इसको काफ़ी रैंक दी गई हैं। अब काफ़ी लोगों को यहाँ पे लग रहा होगा कि भैया 100 रैंक है NRF में तो क्या इतना अच्छा नहीं है ये कॉलेज। तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि रैंकिंग इतनी मैटर नहीं करती है, इसके प्लेसमेंट जब आप देखोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। काफ़ी ऐसे कॉलेजेस हैं यार जो कि अच्छी खासी NRF लेके बैठे हैं लेकिन उनकी प्लेसमेंट्स इतनी अच्छी नहीं होती है। मैं आपको 2-3 एग्जांपल दे देता हूँ। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एंड LPU की जो NRF है वो 84 और 87 है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो बेकार कॉलेज हैं लेकिन उनके प्लेसमेंट्स इतने अच्छे नहीं हैं जितने अच्छे हमको इन कॉलेजेस में देखने को मिलते हैं। तो रैंकिंग इतनी मैटर नहीं करती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कनेक्टिविटी के बारे में। तो आपको 12.5 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट देखने को मिल जाता है, 5 किलोमीटर दूर आपको ग्वालियर जंक्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे काफ़ी सही तरीके से कनेक्टेड है कॉलेज रोडवेज एंड एयरवेज से, तो आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं जाने वाली है। फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 1.5 लाख पर ईयर के हिसाब से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। हॉस्टल एंड मेस आपका 47,000 के आसपास पड़ जाता है। टोटल फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो करीबन 2 लाख आपका एक साल का खर्चा जाता है ट्रिपल आईटी ग्वालियर में। फ़ी वेवर की बात करें तो अगर आप STSC स्टूडेंट हैं तो आपको 100% ट्यूशन फ़ी वेवर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आपको ट्यूशन फ़ी नहीं लगती है लेकिन आपको हॉस्टल एंड मेस का खर्चा देना पड़ता है। अगर मैं स्कॉलरशिप की बात करूँ तो 2 तरीके की स्कॉलरशिप यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आप मध्य प्रदेश से रहने वाले हैं तो गवर्नमेंट की साइड से एक स्कॉलरशिप देखने को मिलती है एंड यहाँ पे एक और स्कॉलरशिप है जिसमें आपके 12th एंड आपका JEE स्कोर देख के आपको स्कॉलरशिप दी जाती है, लेकिन वो एक बैच में 5-6 स्टूडेंट्स को मिलती है जिसमें आपकी 4 लाख के अंदर होनी चाहिए आपकी पेरेंट इनकम, तो आपको ये मिल सकती है। एलिजिबिलिटी एंड मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो आप 12th आप पास होने चाहिए। सेकेंड, यहाँ पे JEE मेंस के बेसिस पे एडमिशन होता है। थर्ड, यहाँ पे JOSA काउंसलिंग एंड CSEP काउंसलिंग के थ्रू ये लोग एडमिशंस लेते हैं। जैसे ट्रिपल आईटी हैदराबाद में अलग से एप्लीकेशन भरना पड़ता था, यहाँ पे आपको कोई भी एप्लीकेशन नहीं भरना पड़ता है, आपका सिर्फ और सिर्फ JOSA एंड CSEP के थ्रू एडमिशन होगा। अकेडमिक डिपार्टमेंट की हम लोग बात करें तो 4 ईयर में आपको सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस देखने को मिलती है एंड ये ब्रांच 2017 में ही आई थी तो अभी तक इसका एक भी बैच पास आउट नहीं हुआ है। 2021 में पहला बैच पास आउट होगा। 5 ईयर कोर्स में हम लोग बात करें तो आपको इंटीग्रेटेड BTech प्लस MTech देखने को मिलता है IT ब्रांच से। सेकेंड, यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड BTech एंड MBA देखने को मिलता है IT ब्रांच से। यहाँ पे हम लोग कट ऑफ की बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने JOSA लास्ट राउंड की कट ऑफ शो कर रखी है, तो यहाँ पे आप कंप्यूटर साइंस की देख सकते हैं, BTech प्लस MTech की देख सकते हैं, BTech प्लस MBA की देख सकते हैं। तो जनरल के लिए यहाँ पे 8,000 के आसपास आपको कंप्यूटर साइंस में रैंक चाहिए होती है। अगर आप फीमेल हैं तो 12,000। यहाँ पे अगर मैं BTech प्लस MTech की बात करूँ तो 13,000 के आसपास आपको जनरल वालों को चाहिए होती है रैंक। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, सारी कट ऑफ मैंने यहाँ पे शो कर रखी हैं। अब बात कर लेते हैं कैंपस फैसिलिटीज़ के बारे में। तो आपको काफ़ी सारे लैब्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे जितने भी लैब्स हैं सारे वेल इक्विप्ड हैं। लाइब्रेरी की बात करूँ तो सेंट्रल इंडिया की सबसे बिगेस्ट लाइब्रेरी इसको बोली गई है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। हॉस्टल्स एंड मेस की हम लोग बात करें तो यहाँ पे 3 बॉयज़ हॉस्टल एंड 1 गर्ल्स हॉस्टल आपको देखने को मिल जाता है। सारे हॉस्टल्स वेल मेंटेन्ड हैं। अगर आप CSE के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पहले साल से ही सिंगल रूम मिल जाता है एंड अगर आप MTech एंड MBA कर रहे होते हैं तो आपको सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको सिंगल रूम मिलता है। यहाँ पे हम लोग कर्फ्यू टाइमिंग की बात करें तो गर्ल्स के लिए 10 PM तक रहता है, बॉयज़ के लिए यहाँ पे कोई भी कर्फ्यू टाइम नहीं है। यहाँ पे हम लोग बात करें तो आपको हॉस्टल में ही रहना पड़ता है, आप हॉस्टल के बाहर नहीं रह सकते हैं। अगर आप ग्वालियर के भी हैं तो भी आप नहीं रह सकते हैं, आपको हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा, ठीक है। हॉस्टल्स में यार कॉमन वॉशरूम आपको देखने को मिलता है, अनलिमिटेड यहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट आपको देखने को मिल जाता है। मैस फूड की हम लोग बात करें तो इतना अच्छा भी नहीं है, इतना बुरा भी नहीं है, ओके ओके मैस बताई गई है। यहाँ पे आपको 4 मील्स मिलती हैं एक दिन में,
जिसमें ब्रेकफास्ट रहता है, लंच रहता है, इवनिंग टी रहती है एंड फिर डिनर रहता है। नाइट कैंटीन्स भी आपको हॉस्टल्स में देखने को मिल जाते हैं जो कि 3 बजे तक आपके खुले रहते हैं। आपको हॉस्पिटल, बैंक, पोस्ट ऑफिस, ATM फैसिलिटी आपको कैंपस में अवेलेबल हो जाती है। 24/7 वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। एंड यहाँ पे जो हॉस्टल्स हैं वो काफ़ी अच्छे बताए गए हैं, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपकी विंडो वगैरह आपको देखने को मिल जाती है, मतलब एकदम बंद कमरे नहीं हैं। स्पोर्ट्स की हम लोग बात करें तो अगर आप स्पोर्ट्स फ्रीक हैं तो आपको सारे स्पोर्ट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एक स्विमिंग पूल है, लॉन टेनिस है, बास्केटबॉल है, और आपका स्नूकर टेबल वगैरह का एक रूम बनाया गया है, ठीक है। 2 स्क्वैश कोर्ट्स हैं एंड टेबल टेनिस आपको काफ़ी सारे देखने को मिल जाते हैं। बैडमिंटन कोर्ट्स भी अवेलेबल हैं, तो स्पोर्ट्स काफ़ी सही है। यहाँ पे हम लोग जिम की बात करें तो बहुत ही बढ़िया जिम बनाई गई है, वेल इक्विप्ड है। एंड यहाँ पे स्टूडेंट टेक कम है तो काफ़ी कम बच्चे रहते हैं, तो आप डेली जिम कर सकते हैं, आपको क्राउडेड फील नहीं होगा। कैंपस फेस्ट की हम लोग बात करें तो काफ़ी सारे कैंपस फेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जैसे अरोरा, इन्फोत्सव, त्वरम, ऊर्जा, माइंड ओवर मैटर, काफ़ी सारे होते हैं। एंड यहाँ पे क्लब्स की बात करें तो आपको काफ़ी सारे क्लब्स देखने को मिल जाते हैं, AASF, उठान, रोट्रैक, ईसेल जैसे यहाँ पे आपको काफ़ी सारे क्लब्स एंड सेल्स देखने को मिल जाते हैं। कोडिंग कल्चर की बात करें यार, तो IIIT ग्वालियर में काफ़ी शानदार कोडिंग कल्चर है। यहाँ पे एक जो AASF क्लब है, अगर आप जैसे फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो आपको काफ़ी बेसिक चीज़ें ये लोग सिखाते हैं। आपके सीनियर्स का ही ग्रुप रहता है जिसमें आपको प्रोग्रामिंग से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें बताते हैं, आपको फोटोशॉप, वेब डेवलपमेंट, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट, आपकी क्लासेस तक होती हैं। तो आपको यार यहाँ पे सीनियर्स का काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपके प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट भी होते हैं, जो यहाँ पे बच्चे रहते हैं यार वो काफ़ी अच्छे से कोडिंग जानते हैं, ठीक है, जिससे यार वो GSOC वगैरह क्लियर करते हैं काफ़ी बच्चे हर साल। एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छे बच्चे रहते हैं जो कि काफ़ी अच्छी कोड फोर्सेज एंड अपने कोड शेफ में रैंकिंग भी अपनी बना के रखते हैं, ठीक है, 5-स्टार रैंक है, मतलब बहुत ही सही तरीके से कोडिंग जानते हैं वो लोग, ठीक है। तो आपको कोडिंग एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा मिलता है। अब कुछ बहुत ही शानदार चीज़ों के बारे में जान लेते हैं जो कि IIIT ग्वालियर में है। सबसे पहले सारे फैकल्टी होल्डर्स यहाँ पे PhD हैं। ये दूसरा ऐसा कॉलेज है जिसमें सारे टीचर्स PhD होल्डर्स हैं। पहला जो कॉलेज है वो आता है IIT बॉम्बे, सेकेंड आता है IIIT ग्वालियर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। कैंपस की बात करूँ यार तो काफ़ी लश ग्रीन कैंपस है। आपको 50% जो लैंड है वो पूरा ग्रीनरी आपको देखने को मिलती है। एंड कोडिंग कल्चर जैसे मैंने बताया आपको काफ़ी बढ़िया है। प्लेसमेंट्स काफ़ी ज़बरदस्त है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। काफ़ी डिसेंट हॉस्टल्स हैं तो आपको हॉस्टल्स में भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। 24 आवर्स आपको फ्री इंटरनेट मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे अमेजिंग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिल जाता है जिसमें सारे स्पोर्ट्स की चीज़ें हैं एंड आप एकदम बोर नहीं होगे कॉलेज में, ठीक है, मतलब सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। यहाँ पे जो क्लासरूम्स हैं वो डिजिटल लर्निंग फैसिलिटीज़ से इक्विप्ड हैं। यहाँ पे जो टीचर स्टूडेंट रेशियो है वो काफ़ी अच्छा है क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी कम है, तो जो टीचर हैं वो लगभग हर स्टूडेंट को काफ़ी अच्छे से जानते हैं। यहाँ पे फेस्ट एंड एक्स्ट्रा करिकुलर की बात करूँ तो काफ़ी बढ़िया कॉलेज में आपको देखने को मिल जाती है। जैसे हम IIIT हैदराबाद में सुनते हैं कि काफ़ी वर्कलोड रहता है, यहाँ पे बताया गया कि IIIT ग्वालियर में उतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है, मतलब आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपकी चिल वाइब भी यहाँ पे होती है। अब यहाँ पे एक बात जो आ जाती है जो कि ठीक नहीं लगती बच्चों को, 85% अटेंडेंस यहाँ पे कंपलसरी है, ठीक है, तो ये एक कौन आप मान सकते हैं इस कॉलेज में, बाकी सारी चीज़ें बढ़िया हैं। प्लेसमेंट्स की बात कर लेते हैं जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है। यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज 42 लाख पर एनम गया था जो कि 3 बच्चों को मिला था माइक्रोसॉफ्ट की साइट से। अगर मैं यहाँ पे टॉप 20 कंपनीज का एवरेज पैकेज निकालूँ तो 24 लाख के आसपास यहाँ पे देखने को मिलता है। ओवरऑल एवरेज पैकेज की बात करें तो यहाँ पे 14.58 लाख के आसपास आपको देखने को मिल जाता है, मतलब 14.5 लाख एवरेज पैकेज IIIT ग्वालियर का, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है, ठीक है। एंड हम लोग जो बात कर रहे थे दूसरे कॉलेजेस की जो कि अच्छी NRF रैंकिंग लेके बैठे हैं, उनका 3.5-4 लाख पर एनम के हिसाब से देखने को मिलता है एवरेज पैकेज, तो भी वो NRF अच्छी लेके बैठे हैं, तो NRF मैटर नहीं करती है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आपको समर इंटर्नशिप्स काफ़ी सारी देखने को मिलती हैं, मतलब जो कंपनीज आती हैं वो बहुत ही अच्छी इंटर्नशिप्स यहाँ पे देती हैं। 50-60% बच्चे इंटर्नशिप ले लेते हैं आराम से। जो कंपनीज आती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, सैमसंग, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, डायरेक्ट, मिंत्रा, पेटीएम, अडोबी जैसी कंपनी आती हैं जो कि आपको यहाँ पे इंटर्नशिप्स देती हैं। यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि इंटर्नशिप करते हैं एंड उनको PPO मिल जाता है, प्री प्लेसमेंट ऑफर जिसको बोलते हैं, मतलब उनको प्लेसमेंट में बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो काफ़ी बार ऐसा देखने को मिलता है। टॉप रिक्रूटर्स की हम लोग बात करें तो अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, डीशॉ, SCL, GoIVBO, टॉपर जैसी टॉप रिक्रूटर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, और भी काफ़ी सारे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक डाउट बच्चों को आ रहा होगा कि भैया कंप्यूटर साइंस का अभी तक बैच पास आउट नहीं हुआ है तो उसकी प्लेसमेंट्स हम लोग कैसे अंदाज़ा लगाएं। ये जो प्लेसमेंट्स हैं यार, ये 5 ईयर वाला जो कोर्स है BTech प्लस MTech उनकी बताई है मैंने, तो कंप्यूटर साइंस का यार जो बैच है मेरे ख्याल से 14-15 लाख के आसपास तो ईजिली आप एवरेज पैकेज मान सकते हो कंप्यूटर साइंस का,
एंड हमें हो सकता है कि हमें ज़्यादा भी देखने को मिले। तो अगर आपको कंप्यूटर साइंस मिलती है तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं, जो कि एक इकलौती ब्रांच है, उसके अलावा है भी नहीं। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ कॉलेज की, तो यार काफ़ी बढ़िया कॉलेज है, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। काफ़ी बार ऐसे बोला जाता है कि काफ़ी ऐसे NITs हैं जिससे IIIT ग्वालियर काफ़ी ऊपर आता है, तो डेफ़िनेटली अगर आपको मिलता है तो आप डेफ़िनेटली इसके बारे में सोच सकते हैं। मैंने आपको कट ऑफ वगैरह सारी चीज़ें बता दी हैं, प्लेसमेंट्स काफ़ी शानदार हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी डिसेंट आपको देखने को मिल जाता है। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। हम लोग काफ़ी सारे कॉलेज रिव्यूज़ कवर करने वाले हैं, सारे IIIT, सारे NIT, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस के भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यार उसको सब्सक्राइब करो। इसी के साथ यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए कॉलेज रिव्यू के साथ। पीस आउट।